एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज देखिए हम बचे हुए सामान से बना रहे हैं बहुत यमी से सैंडविच सुबह सुबह। ये देखिए हमने आलू का मसाला ना ये बना हुआ था सब्जी का, इसमें प्याज भी डला है, टमाटर भी डला है, आप देख सकते हैं। इसमें हरी मिर्च मैंने ऊपर से काट के डाल दी है बीज निकाल के, तो आप इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सब्जी जो है ना मेरे पास बची हुई रखी थी, ये मैंने अभी बटर वाले गार्लिक टोस्ट बनाए थे तो ये बटर बचा हुआ रखा था, इसको मैंने बाहर रूम टेम्परेचर पर निकाल लिया है। ये चटनी हमारे पास बची हुई थी, बनी हुई है हरी चटनी। तो आपके पास जब भी कुछ ऐसा सामान हो तो आप फटाफट उसमें कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स डालकर अच्छा सा आप सैंडविच बना सकते हैं। एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक गाजर और थोड़ा सा चुकंदर ये लिया है हमने। इसमें घी भी यूज करने वाले हैं और ये ब्रेड के स्लाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड का ये वाला स्लाइस लेंगे। और इससे पहले हम ना ये देखिए मैंने ब्लैक पेपर डाला है सब में, थोड़ा थोड़ा वन पिंच इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है हमने इसमें। तो हम ये सब ना मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स, इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं, है ना। अब हम इसमें ये थोड़ा सा आलू का मसाला भी मैश करके डाल लेंगे। अगर कोई आलू का मतलब जैसे ग्रेटेड है तो ग्रेटेड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा मोटा है ना तो आप उस मसाले में उसको और हाथ से थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। जैसे ये पीस मोटा है तो इसको मैश कर लें अच्छे से। और इस इनको सबको मिक्स करके ना आप ये देख लें कि इसका टेस्ट कैसा है, अदरवाइज आप उसमें थोड़ा सा जो भी आपको कम लगता है ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारा ही आलू का मसाला ना इसमें मिक्स कर दिया है, अच्छे से इसको मैश कर लिया है। सब्जियां भी हमने सारी डाल दी हैं और हमें थोड़ा सा चाट मसाला इसमें कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा डालूंगी हाफ टी स्पून चाट मसाला। इस समय आपको टेस्ट करके देखना है। और मिर्ची जो है वो बिल्कुल सही है, मिर्च का जरूरत नहीं है हमें और डालने की। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, और नमक भी आप देखकर डालेंगे क्योंकि हमारा ना चटनी में भी नमक है। तो ये फिलिंग हमारी रेडी है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसमें बटर लगाएंगे, ये वाला जो गार्लिक बटर है ना उसको लगाएंगे थोड़ा सा अंदर। आप प्लेन बटर भी यूज कर सकते हैं। तो गार्लिक बटर लगा दिया है हमने, अब हम लगाएंगे इसमें ये हरी चटनी। ये ऐसे करके हम हरी चटनी लगा देंगे इसके ऊपर, इससे ना ब्रेड सोगी नहीं होगी। अगर आप पहले बटर लगा देंगे ना तो चटनी लगाने से फिर गीली नहीं होती है ब्रेड, तो कोई भी बटर जरूर आप चटनी लगाने से पहले लगाएं। अब हम इस पे रखेंगे ये मसाला, खूब सारी फीलिंग रखेंगे। देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं, अगर आप आलू कम खाते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल लीजिए। और कभी कभी कोई चीज खाने से ना कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो सब चीजें खानी चाहिए पर मॉडरेट ईटिंग करनी चाहिए, है ना। ओवर ईटिंग करेंगे तो परेशान रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है ब्रेड को, ये देखिए। हम थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे हाथ से, फिर से हम इस पे थोड़ा सा ये बटर लगाएंगे, ठीक है, हल्का बटर लगाना है आपको। और इसमें हम ये ग्रेटेड जो चुकंदर है वो रख देंगे ऐसे, ठीक है ना। इसमें भी हमने हल्का सा नमक और वो डाला है चाट मसाला, तो इसको ऐसे रख के और बस एक इससे ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम ऊपर से इसको बटर लगाएंगे थोड़ा सा और वापस तवे पर ब्रेड को सेक लेंगे। तो ऐसे असेंबल कर लिया है हमने और अब मैं आपको दिखाती हूं। हमने थोड़ा सा तवे पर ये घी लगा दिया है और इसी के ऊपर हम इस ब्रेड को ऐसे रख देंगे, ठीक है। हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे इसको और धीमी गैस पर सिकने देंगे दोनों तरफ से। अब हमारे पास ये थोड़ा सा बटर है, ये देखिए, इसको हमें फिनिश करना है तो इसको अब हम ऊपर से ऐसे लगा देंगे पूरी ब्रेड पे। अब हम इस सैंडविच को पलटेंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से ऐसे पलटें ताकि वो खुले नहीं चारों तरफ से।
आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, और ये फ्लेवर इतना अच्छा लगेगा। देखिए वेजिटेबल्स हैं, सभी खाने की चीजें हैं, तो बहुत अच्छा ये लगने वाला है। और आपकी सब्जी जो है, जो फ्रेश आपने बनाई थी, रात को बनाई हो या सुबह बनाई हो और आप दोपहर में यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से यूज हो जाती है। और फ्रेश वेजिटेबल्स डालकर आप उसको हेल्दी बना लेते हैं। तो हम इसको दोनों तरफ से सेकते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए सिम गैस पे दोनों तरफ से कितना अच्छा हो गया है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ आवाज सुन सकते हैं आप, बहुत क्रिस्पी है। तो इसको हम बहुत ध्यान से ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए मैं पास से दिखाऊं आपको कितना बढ़िया सिका है। और सैंडविच को हम कट करेंगे। ये ब्रेड नाइफ अगर आपके पास है ना, तो बहुत अच्छा है, इससे सैंडविच बहुत अच्छे से कट हो जाते हैं। आपको मैं दिखाऊं, मैंने जल्दी से आपको ना केवल ये बना के दिखाया है, कि मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप इसको कैसे भी असेंबल कर सकते हैं, आप अलग से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कोई भी शेप में, ट्रायंगल में कट कर सकते हैं, छोटे ट्रायंगल बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये देखिए जब आप ऐसे कट करते हैं तो सैंडविच भी खराब नहीं होता और नाइफ भी बहुत अच्छा है। ये लीजिए, कहते ही गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा दबाना है इसको, ऐसे दबाते हुए कट करना है। एक्चुअली नीचे मेरा वुडन ट्रे है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से कट कर रही हूँ। ये नाइफ है, बहुत ही बढ़िया रहता है। और मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ सैंडविच, बहुत ही बढ़िया। बचे हुए सामान से ऐसा सैंडविच बनाएंगे तो बस मजा ही आ जाएगा। और ये देखिए हमारे यमी से सैंडविच बनकर तैयार है। कितना बढ़िया कलर आया है और कितने अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी हैं। दोनों तरफ से देखिए कितने अच्छे से सिके हुए हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरी चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, इमली की चटनी से खाइए। थैंक यू सो मच।